उसकी संगत बुरी है। एल्विश यादव विवाद पर बेबिका धुर्वे ने कही चौंकाने वाली बात। जी हाँ, बिग बॉस ओटीटी 2 में बेबिका धुर्वे और एल्विश यादव अच्छे दोस्त थे। वहीं एल्विश यादव का नाम हाल ही में एक विवाद से जुड़ा था, जिस पर बेबिका ने कहा कि उसकी संगत बहुत बुरी है और उसे इसमें सुधार करना चाहिए। दरअसल एल्विश का नाम हाल ही में रेप पार्टी में सांप के जहर की सप्लाई करने के केस में आया था। नोएडा पुलिस ने उनसे इस मामले में पूछताछ भी की थी। हालांकि यूट्यूबर का कहना है कि उन पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सच नहीं है। अब बेबिका धुर्वे ने एल्विश के उसी विवाद पर बात की है। उन्होंने बताया कि जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्होंने एल्विश से खुद इस बारे में बात की थी। बेबिका धुर्वे ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए एल्विश यादव पर कहा कि उसके बारे में सुनकर मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हुई। बिना किसी ठोस सबूत के उस पर आरोप लग रहे थे, मुझे काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, तो मैंने उससे बात करने की कोशिश की। मैंने उससे पूछा कि क्या सब ठीक है, तो उसने कहा कि हाँ सब कुछ ठीक है। तो मैंने सोचा कि इन सब चीजों की वजह से अभी वो बिजी भी होगा। मुझे लगता है कि मीडिया को इस मामले की जांच में नहीं पड़ना चाहिए। जांच का काम पुलिस का है और वो कर रही है। अगर उन्हें सबूत मिलेगा तो वो ले लेंगे जो एक्शन लेना होगा। वो यंग है, वो केवल 25 साल का है। इस उम्र में किसी को इतना स्ट्रेस मत दो जिसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है और आप आरोप लगा रहे हो। मानसिक रूप से तनाव होता है, किसी को इतना तनाव मत दो। बेबिका ने आगे कहा कि एल्विश बुरा इंसान नहीं है, लेकिन वो संगत बुरी पकड़ता है। वो ऐसे काम नहीं कर सकता, लेकिन वो बेवजह फंस जाता है लोगों की गलत संगत की वजह से। तो उसे अपनी संगत सुधारना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम ऐसा नहीं करेगा। वो एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता है, उसके पापा एक टीचर है, उसकी मम्मी घरेलू लेडी है, उन्होंने उसे अच्छी परवरिश दी है। उसका दिल बुरा नहीं है, उसकी संगत ही बुरी है।